Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue the chapter. हमने पढ़ा था कि अब लॉन्ग नोज जो था वो इतना पॉपुलर और इतना फेमस हो चुका था, उसको सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल हो चुका था कि अब लोग उसकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाना चाहते थे. यहाँ पर बात हो रही है गवर्नमेंट की, सरकार की, जो उसकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाना चाहती थी. तो सरकार का जो पहला अटेम्प्ट या पहली कोशिश थी उसकी पॉपुलैरिटी को अपने फेवर में यूज़ करने की, उसमें उसने क्या किया, उसने एक चाल चली गवर्नमेंट ने. उन्होंने उसको एक टाइटल अवार्ड किया. उन्होंने उसको क्या टाइटल अवार्ड किया, चीफ अमंग द लॉन्ग नोज्ड वंस. मतलब जितने भी लंबी नाक वाले लोग हैं उनमें सबसे चीफ या सबसे मेन जो है वो है हेड, और उसको एक मेडल पहना दिया. ठीक है, ये जो था प्रेसिडेंट ने खुद उसको पहनाया था गोल्ड मेडल, और ये अब उसको एक टाइटल मिल गया था जो कि एक अचीवमेंट थी, एक उपलब्धि थी उसके लिए. ठीक है, तो क्या हुआ इससे, वो और फेमस हो गया, सब कैमरामैन वगैरह सब उसको अच्छे से कवर करने लगे. लेकिन अब उसका नाम जो था वो पॉलिटिक्स में भी छाने लगा. क्यों? क्योंकि उसको एक टाइटल मिल चुका था, वो भी प्रेसिडेंट द्वारा खुद. तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो आगे आके सामने आने लगी कि कैसे उसको हम अपनी पार्टी में शामिल कर लें. अब उसको क्या कॉमरेड दे दिया नाम. कॉमरेड क्या होता है? कॉमरेड इज़ बेसिकली अ फेलो मैन, किसी भी उसका फेलो मैन, यानी कि जितने भी लॉन्ग नोज हैं, जितने भी लंबी नाक वाले लोग हैं उनका लीडर उसे बना दिया, और उसको कहा कि आप हमारी लोगों की स्ट्रगल में, लोगों की मुश्किलों में उनका साथ दो. ठीक है, उनको लीडरशिप दो, उनको गाइडेंस दो. अब यहाँ पर वही वाली बात हो रही है कि कॉमरेड या पुअर लॉन्ग नोज क्या, कुछ भी नहीं है उसको, क्योंकि उसने कोई महान काम तो किया ही नहीं है जिसके लिए उसको इतनी जो ऐशो आराम और जितनी उसको अवार्ड्स और मेडल्स भी दिए जा रहे हैं. ये जो एक फ़ालतू की चीज़ है, सिर्फ एक उसकी नाक लंबी है, इस बात को इतना एग्जैजरेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा के इतना तूल दे दिया है. अब ये बात आई कि लॉन्ग नोज को कोई ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए. अब सवाल उठता है कौन सी पार्टी ज्वाइन करे, इतनी सारी पार्टीज़ हैं, तो कैसे वो सबके साथ एक साथ हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, चुनना तो उसे किसी एक पार्टी को ही पड़ेगा. तो उसने सोचा कि मेरे को किसी पार्टी को ज्वाइन करने की ज़रूरत ही क्या है, मैं थक चुका हूँ मैं इन सब चीज़ों से, क्या मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करने की ज़रूरत है? उसने अपनी सेक्रेटरी से पूछा, तो उसकी सेक्रेटरी ने कहा नहीं, क्यों, तुम्हें पार्टी ज्वाइन क्यों करनी है? लेकिन तब तक किसी पार्टी ने उसकी परमिशन के बिना, उसके जाने बगैर अपना एक स्लोगन लोगों में वो कर दिया, एडवर्टाइज़ कर दिया कि आवर पार्टी इज़ द लॉन्ग नोज्ड वंस पार्टी, कि हमारी पार्टी जो है वो लॉन्ग नोज की पार्टी का लॉन्ग नोज के साथ है, लॉन्ग नोज हमारी पार्टी में शामिल हो चुका है. उन्होंने मतलब झूठा ही बिना उसकी परमिशन के ये एडवर्टाइज़ कर दिया कि लॉन्ग नोज हमारी पार्टी का हिस्सा है, उसने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली है. अब दूसरी पार्टी के जो लोग थे वो सब गुस्सा हो गए इस बात को सुनकर और जानकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने उनकी पार्टी को ज्वाइन कर ली. ये तो है ही ना, ऐसा तो होता है, तो नेचुरल है, किसी एक पार्टी को ज्वाइन किया तो बाकी की पार्टी के लोग नाराज़ हो गए. अब उसने कहा कि फिर बाकी की पार्टीज़ ने क्या चाल चली, उन्होंने ये खबर फैला दी कि लॉन्ग नोज जो है उसने तो लोगों को धोखा दिया है, डिसीव किया है, लोगों के साथ छल किया है, वो अब तक लोगों के साथ चीटिंग करता आ रहा था. अब क्योंकि लॉन्ग नोज ने उनकी पार्टी में शामिल वो नहीं हुआ, तो अब उन्होंने उसको नीचे गिराना, उसको उसकी पॉपुलैरिटी कम करना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि ये आज तक लोगों को सिर्फ धोखा देता आया है, ये लोगों के लिए कभी था ही नहीं, लोगों के साथ कभी था ही नहीं. क्यों? इसने क्योंकि लोगों से एक सच छुपाया है, और वो सच क्या है कि जो इसकी ये लॉन्ग नोज़ है, लंबी सी नाक है, ये असली नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ये रबर की बनी हुई है. तो बस फिर क्या था, न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन्स और सारे मीडिया को एक मसालेदार खबर मिल गई छापने के लिए, अपना न्यूज़ चैनल चलाने के लिए. सब ने अखबारों में, बड़े बड़े
अक्षरों में छाप दिया कि लॉन्ग नोज तो चीटर है, धोखेबाज है, और उसकी जो नाक है वो नकली है, रबर की बनी हुई है। अब ये बात सारे में फैल गई। फिर क्या होना था, ऑब्वियसली वही रिएक्शन, इतने लोगों के फ़ोन कॉल्स और लेटर्स पूरी दुनिया भर से, क्योंकि वो पूरी दुनिया में मशहूर था, पूरी दुनिया की इवेंट्स पर वो अपनी ओपिनियंस देता था, तो अब पूरी दुनिया भर से लेटर्स आने शुरू हो गए, फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसको मेडल दिया था ना कि वो लॉन्ग नोज वाले लोगों का, कम्युनिटी का चीफ है। तो अब लोग उसी को सवाल उठा रहे हैं कि आपने क्या सोचकर ऐसे धोखेबाज आदमी को इतना बड़ा अवार्ड दे दिया आप, क्योंकि अब प्रेसिडेंट की ही जिम्मेदारी है उन सबको जवाब देने की कि ये उसने तो धोखा दिया है, और इसकी जो रबर की नाक है, नकली नाक है, उसको तोड़ दो, ख़राब कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। एक रेवोल्यूशन सा उठ गया, मतलब रेवोल्यूशन वर्ड अगर आप देखो कितना भारी वर्ड है, जो कि देश की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए यूज़ होता है, या किसी बड़े चेंज को लाने के लिए रेवोल्यूशन किया जाता है, क्रांति लाई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्रांति किसके लिए आ रही है, रेवोल्यूशन किसके लिए किया जा रहा है, सिर्फ उसकी एक नाक तोड़ने के लिए, नाक डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आप समझ रहे हो कैसे पूरे चैप्टर में जो राइटर हैं उन्होंने एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। बात का बतंगड़ बनाना, उसको एग्जैजरेट करना ही एक तरीका है कि हम कैसे उस बात का मजाक उड़ा रहे हैं, और उस बात को, एक नेगेटिव बात को, बहुत ही हंसी के वे में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। लेकिन लोग बुरा मान जाते हैं अगर हम साफ साफ बोलते हैं कि ये गलत है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए ये तरीका अपनाया है राइटर ने, बात को बढ़ा चढ़ा कर, एग्जैजरेट कर कर, तूल देकर बात को समझाने का, कि कितनी बेकार की बात को लोगों ने तूल देकर एक न्यूज़ बना दिया, सेंसेशन बना दिया। तो अब बात आ रही है जी कि उसकी लॉन्ग नोज की नॉक को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एंटी लॉन्ग नोज पार्टी बन गई। एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ या अगेंस्ट। यहाँ पर जो लोग लॉन्ग नोज के अगेंस्ट खड़े हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक पार्टी बना लिया जो कि एंटी लॉन्ग नोज पार्टी कहला रही है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी करी कि बिलवड कंट्रीमैन, बिलवड यानी कि मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो जो भी कहा जा रहा है ये सब झूठ था, ठीक है। अब लॉन्ग नोज के लिए बात हो रही है, उन्होंने लॉन्ग नोज की जो पार्टी है उन्होंने लॉन्ग नोज को बचाने के लिए स्टेटमेंट जारी किया कि जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि रबर की नोज़ है, नकली नाक है, तोड़ देनी चाहिए, बर्बाद कर देनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत खबर है। ये भगवान के नाम पर इस तरह की अफवाह पर विश्वास ना करें और इसको सच ना समझें, क्योंकि जो दुश्मन पार्टी है या जो अपोजिंग पार्टी है उन्होंने ये झूठ फैलाया है उसको बदनाम करने के लिए, पर सच में वो उसकी नेचुरल नाक ही है। अब क्या हुआ, अब वो ये एक्चुअली जो लॉन्ग नोज है वो सिर्फ एक बहाना है, आपस में लड़ाई हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, वो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, गंदी गंदी बातें कह रहे हैं, वो इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सब ये कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है अपने असली रंग दिखा रही है, ये देखिए ये धोखेबाज पार्टी है, वो देखिए ये कितने नीचे गिरे हुए हैं लोग, कि किसी की बात को झूठ साबित कर कर अब ऊपर आना चाहते हैं, इस तरह की बात है। और क्योंकि लॉन्ग नोज ने उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं की इसलिए ये उसके खिलाफ़ झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। इस तरीके से जो उसकी लॉन्ग नोज की पार्टी थी, जो पार्टी उसने ज्वाइन की थी, या कह लीजिए कि जिस पार्टी ने ये अनाउंस किया था कि वो उनकी पार्टी में, वो उसके फेवर में बोल रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब लोगों के दिमाग में जो आम जनता है हमारी, वो कन्फ्यूज़ हो गई कि कौन सी पार्टी सच बोल रही है, नाक असली है या नाक नकली है। तो अब लोगों ने, जो प्रेसिडेंट था जिसने वो मेडल उसको दिया था, उसमें भी कमी निकालनी शुरू कर दी कि ये तो प्रेसिडेंट ही बेकार है, ये तो सरकार ही स्टूपिड है, बेवकूफ़ों की सरकार है, और ये चीफ का जो टाइटल है ये उससे छीन लेना चाहिए उसको, ये तो डिसीवर है। डिसीवर होता है धोखेबाज जिसने धोखा दिया हो, और इन लोगों ने, ऐसे धोखेबाज आदमी को गोल्ड मेडल पहना दिया। तो फ्रॉड है ये प्रेसिडेंट, गलत है, देश को धोखा दिया है, नेशनल इशू बना दिया इसे, कि लोगों के या देश के
हमारे राष्ट्र के हित में ही नहीं है जो भी किया है, इसलिए ऐसे प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर देना चाहिए, अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और लॉन्ग नोज, जिसकी रबड़ की नाक है, असली नाक भी नहीं है, ऐसे आदमी को तो मार ही देना चाहिए। मतलब बात इस हद तक पहुंच गई। तो प्रेसिडेंट जो था वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने क्या, ये लोगों ने क्या फालतू की अफवाहें उड़ानी शुरू कर रखी हैं और ये क्या फालतू का रिएक्शन दे रखा है। एक दिन क्या हुआ, अब प्रेसिडेंट के पास तो बहुत पावर होती है, उसने अपनी आर्मी और अपने टैंक्स भेजे लॉन्ग नोज के घर पे। लॉन्ग नोज के घर को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और उसको अरेस्ट करके ले आए। प्रेसिडेंट के पास तो सारी ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने आर्मी भेजी, अपने टैंक्स भेजे, उसको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत टाइम तक, क्योंकि वो अरेस्ट हो गया तो कैमरामैन मीडिया पर्सन की वो नज़रों में नहीं था, तो इसलिए वो थोड़ा टाइम न्यूज़ में से हट गया। न्यूज़ उसके बारे में कोई खबर नहीं छपती थी, वो गायब होना शुरू हो गया लोगों के दिमाग से भी धीरे धीरे। फिर अचानक से एक फ्रेश ताज़ा खबर आई जो कि बॉम्ब की तरह गिरी। जैसे ही लोग मतलब भूलने के कागार पे थे कि लॉन्ग नोज टाइप का कोई आदमी था भी, उसको भूलने ही वाले थे, तभी अचानक से प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट कर दी। और ये आप जानते हो कि सारे ये जो प्रेसिडेंट है या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब क्यों लॉन्ग नोज का बहाना ढूंढ के या लॉन्ग नोज के ज़रिए वो क्या करना चाहते हैं? बार बार न्यूज़ में रहना चाहते हैं, लोगों की नज़रों में रहना चाहते हैं, लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, खबरों में रहना चाहते हैं, फेमस रहने के लिए, अपनी पार्टी को पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलैरिटी उनकी इलेक्शन के टाइम पर काम आती है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी वो एक इशू बन चुका है, मुद्दा बन चुका है। लोग सरकार गिराने तक की बात कर रहे हैं कि ऐसी सरकार तो लोगों को धोखा दे रही है, प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो ऐसे में प्रेसिडेंट उसको अभी भी अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सेल्फिश होकर यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। क्या उसने क्या कहा, लोगों को क्या खबर भेजी कि अब हम उसका ट्रायल करेंगे, अब उसकी सज़ा का ट्रायल होगा, उसका कोर्ट का केस चलेगा लॉन्ग नोज का, ठीक है। और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को पूरे दुनिया में से, अलग अलग देशों में से, 48 कंट्रीज में से, अलग अलग देशों से लोग, डॉक्टर्स आएंगे और उसकी नाक का एग्जामिन करेंगे, अच्छे से देखेंगे, जाँचेंगे कि वो सच में रबर की है या नेचुरल है। तो इसलिए, और ये सारी प्रोसीडिंग्स, जो भी ये प्रोसेस है, ये सारा फिल्म किया जाएगा और लोगों को टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा, क्योंकि सब तो आकर नहीं देख सकते, इसलिए सारी दुनिया में ये टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो आप लोग शांति बनाए रखें। तो ठीक है, लोग तो लेकिन लोग हैं, इसलिए वो लार्ज नंबर्स में जो भीड़ थी वो इकट्ठा हो गई वहाँ पर, जहाँ पर ये प्रोसीडिंग्स होनी थी, ठीक है, उस शहर में। और उस शहर के जितने भी होटल्स थे सब भर गए खचाखच, सारे छोटे छोटे, चाहे गेस्ट हाउस हों, टॉयलेट्स हों, वॉशरूम्स हों, पब्लिक कन्वेंसेज हों, सब में भर गए लोग। मतलब उन लोगों ने इतना हड़कंप मचा दिया, ये इतनी छोटी सी बात को कि उसकी नाक असली है या नहीं को लेकर लोगों ने शहरों में घुस गए। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई वहाँ पर और शहरों से, पुलिस स्टेशंस में उन्होंने आग लगा दी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उन्होंने बर्बाद कर दी सब। और फाइनली आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन वो प्रोसीडिंग्स होनी थी, जिस दिन उसकी नाक की डॉक्टर्स को एग्जामिनेशन करना था, यानी कि मार्च 9, 11 AM, पूरा एग्जैक्ट टाइमिंग भी बता रखा है कब वो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी। प्रेसिडेंशियल पैलेस के बिल्कुल सामने, बीचों बीच चौराहे पर उन्होंने ये पूरा सेटअप किया कि ताकि लोग और दुनिया देख सके कि एक्चुअली माजरा क्या है और सच क्या है। क्योंकि उस सच के चक्कर में लोगों ने प्रेसिडेंट को बोल दिया कि आप रिज़ाइन कर दो, तो वो बहुत बड़ा इशू बन चुका है अब नेशनल लेवल का, इसलिए ये तो नेशनल लेवल पर ही इसका खुलासा किया जाएगा। तो लोगों से कहा गया कि लाउड स्पीकर पे, क्योंकि इतनी भीड़ है, लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं, लाउड स्पीकर पर लोगों को कहा गया, इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप लोग शांति बनाए रखें, थोड़ा डिसिप्लिन में रहें, तमीज़ से रहें, जो भी एग्जामिनेशन है, जो भी सब कुछ है, वो बस शुरू ही होने वाला है। तो जो डॉक्टर्स थे वो उसको घेर के खड़े हो गए, ठीक है, और उसका एग्जामिनेशन करने लगे और उसको बोला, उन्होंने दो तरीके से उसकी नाक को जांचने की कोशिश करी कि उसकी नाक असली है या नहीं। पहले तो उन्होंने उसकी नाक के नॉस्ट्रल्स जो होते हैं ना, जो आपकी नाक के छेद होते हैं जहाँ से आप इनहेल और एक्सहेल करते हो, सांस लेते हो, छोड़ते हो, उनको, उनमें उनको ब्लॉक कर दिया, उसको एक नॉस्ट्रल को ब्लॉक कर दिया,
एक ने नॉस्ट्रल ब्लॉक कर दिया और तो दूसरे ने तुरंत उसका मुंह खोल दिया, क्योंकि अगर आपके नाक के नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो आप सांस कैसे लोगे। अगर नाक बंद हो जाती है, हमें ज़ुकाम भी हो जाता है, तो हम मुँह से सांस लेते हैं, इसलिए दूसरे डॉक्टर ने उसका मुँह खोल दिया और मुँह बहुत वाइड खोला, ठीक है। फिर एक डॉक्टर ने सुई लेकर उसकी नाक की टिप पर टच किया, चुभाया उसकी नाक की टिप पर, पंक्चर किया और उसमें से फिर क्या हुआ, खून की बूंद गिरी। ऑब्वियसली अचानक से आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट वगैरह भी जब होते हैं या डायबिटीज़ के टेस्ट भी जब होते हैं तो एक नीडल से प्रिक किया जाता है जिससे खून की ड्रॉप आ जाती है। और खून आने का क्या मतलब है, खून आने से ये साबित हो गया कि नाक जो है वो असली है, नेचुरल है, तभी उसमें से खून आ रहा है। अगर रबर की नाक होती तो ना उसको दर्द होता और ना उसमें से खून आता। और दूसरा, उसने नाक के जो नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो गए थे उससे उसको सांस भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए उसने अपना मुंह खोल लिया सांस लेने के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो साबित करती हैं कि उसकी नाक जो है वो नेचुरल है और रबर की नहीं है। तो उन्होंने अपना वर्डिक्ट होता है कि फैसला सुना दिया कि नाक जो है वो जेन्युइन है, सही है, रबर की नहीं बनी हुई। तो उनमें से जो दो फीमेल सेक्रेटरीज थी उसकी, और दोनों उसको प्यार करती थी, एक ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी जो उसके अगेंस्ट थी, जिसने ये सारी झूठी खबर फैलाई थी कि उसकी नाक रबर की, और एक उसके उसको सपोर्ट करने वाली थी। तो जो उसको सपोर्ट करने वाली थी उसने उसको किस किया और वही नारे लगाए कि इसकी जय हो, सदा जीता रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, लॉन्ग लिव कॉमरेड, लॉन्ग नोज, ठीक है। और उस पार्टी की भी, जिस पार्टी की तरफ से वो, जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा था या ज्वाइन किया था, यानी कि पीपल्स पार्टी ऑफ द लॉन्ग नोज्ड वंस और प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी, ठीक है। इतना कहने पर, ये सब नारे लगाने पर, जो लोग थे वो सारा, जो जितना भी ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ था नाक को लेकर, वो तो शांत हो गया, ठीक है। लेकिन अब प्रेसिडेंट के खुराफाती दिमाग में आया एक और आइडिया कि इस बात को मैं आगे ले जाकर इसका भी फ़ायदा उठाऊंगा। क्यों? अब उसने क्या किया कि लॉन्ग नोज को पार्लियामेंट का एक मेंबर के लिए उसने कहा कि मैं इसको नॉमिनेट करूंगा, ठीक है। मतलब नॉमिनेशन होगा तो फिर इलेक्शन होंगे और लोग उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट्स देंगे और जीत भी जाएगा वो, क्योंकि वो जानता है कि लॉन्ग नोज अब दुनिया के सामने सच्चा साबित हो गया है, बेगुनाही उसकी साबित हो गई है, तो अब लोगों की सिंपथी आ गई है लॉन्ग नोज के लिए कि वो तो जेन्युइन बंदा है, तो लोग उसको वोट भी देंगे और वो इलेक्शंस में जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएगा। लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ इट ऑल, और यहीं पर जो था सारा मामला ख़त्म हो गया। फाइनली करना क्या था प्रेसिडेंट को, उसे अपने लिए यूज़ करना था, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना था, तो उसको वो बनाने में कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया, अपने जो भी उसके मन में इसका आइडिया था वो कामयाब हो गया। अब जितनी भी पार्टीज़ थी वो सब, बट द पार्टीज ऑफ विच द लॉन्ग नोज वन वॉज नॉट अ मेंबर, जिनका वो मेंबर नहीं था, फॉर्म्ड अ यूनाइटेड फ्रंट, उन सब ने एक अपनी पार्टी बना ली कि जी भैया, वो सब एक हो गई जिन पार्टीज़ जो सब अगेंस्ट थी लॉन्ग नोज के, और उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट बना लिया, ऑपोजिशन पार्टी बना ली, और वो उन्होंने एक नया नारा लगाना दोबारा से शुरू कर दिया कि मिनिस्ट्री को रिज़ाइन कर देना चाहिए अभी भी। अब आप इस चीज़ से, पूरे इंसिडेंट से अंदाज़ा लगाओ कि कैसे फॉल्सहुड, यानी कि जो झूठ है, वो कैसे लोग उसको परपेचुएट करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो कितना लंबे टाइम तक खींचता चला गया झूठ। एक बार उसका बर्थडे आया, 24वां बर्थडे आया, और उसकी नाक क्या लंबी हुई, वो कितने महीनों तक वो मामला खींचा, उससे वो अमीर हो गया, उसकी मूवीज़ बन गई, उस पर पोम्स लिखनी जाने लगी, उस पर नॉवल्स लिखी जाने लगी, मतलब करते 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 वो प्रेसिडेंट तक पहुंच गया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस तक पहुंच गया। मतलब इतना खिंचा मामला, एक झूठ, एक छोटा सा झूठ कि वो सच है या उसकी नाक रबर की है या नहीं, और लोगों को उसकी सिर्फ उसकी नाक लंबी है लेकिन उसको नॉलेज किसी बात की नहीं है, ये हमें चैप्टर के शुरू में बताया गया था, मगर लोगों को उसकी राय जानने से कितना इंटरेस्ट आने लगा कि भैया दुनिया में ये इवेंट हुआ है फलानी जगह पर और हम जानना चाहते हैं कि लॉन्ग नोज का इसके बारे में क्या कहना है या उसकी क्या ओपिनियन है, कैसे, क्यों लॉन्ग नोज की ओपिनियन मैटर करती है, उसने ऐसा क्या किया है, या तो उसने कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी करी हो या इन्वेंशन करा हो, ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया, लेकिन हमने बात को कितना बढ़ा चढ़ा दिया, एग्जैजरेट कर दिया और तूल दे दिया, ठीक है। अब ऐसे में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे सियाने ज्ञानी लोग हैं, वो बेचारे क्या करें, वो कहाँ जाएं, जब दुनिया में
ऐसे बेवकूफ़ों की पूछ हो रही है, लोग ऐसे छोटी छोटी बेकार की बातों को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो जो एक्चुअली जिनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, जिनकी राय जानने के लिए हमारे अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए या जिनकी राय इम्पोर्टेंस रखती है, उन बेचारों का क्या होगा, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स का क्या होगा, वो बेचारे कहाँ जाएँ, उनकी तो कोई पूछ ही नहीं रही या उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं रही है आप कहिए। तो ये है इस चैप्टर, जिसमें आयरनी बहुत ज़्यादा है, सरकाज़म है, एक टॉन्ट मारना, एक ताने मारने वाला वे है जिसमें रिडिक्यूल किया जा रहा है, हंसी उड़ाई जा रही है एक बेकार की बात को, कैसे इतना बड़ा इवेंट बना दिया गया। कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आयरनी एक्चुअली क्या होती है या सटायर क्या होता है, ये सटायर का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। लिटरेचर में आपको सटायर के बहुत एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे और ये स्टोरी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है सटायर का। तो जो हमारी आज की जो हमारी लाइफ है, जो हमारा सोशल मीडिया है, उसके बारे में बहुत अच्छे से उसको रिफ़्लेक्ट कर रही है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर की पॉइंट्स देख लीजिए चैप्टर के, जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक तो राइटर ट्राइज़ टू एक्सपोज द फोली द स्टूपिडिटी ऑफ द मासेस, मासेस यानी कि जो आम जनता है, जो भीड़ है, हमारी लोग हैं, उन लोगों की जो फोली है यानी कि बेवकूफ़ी है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करी गई है राइटर के द्वारा, उसको एक्सपोज किया गया है। कि और अगर आप आज भी देखें जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और ये टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह पे भी जो लोग ऐसे फालतू की चीज़ें कर फेमस होते रहते हैं और पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, तो वो पॉपुलर करने वाली आम जनता ही होती है। तो ये लोगों की बेवकूफ़ी है कि वो किस बात को कैसा कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। सेकंड, द टाइटल ऑफ द स्टोरी स्टार्ट्स विद द सटायर, यहाँ पे टाइटल जो है द वर्ल्ड रिनाउंड नोज, नाक भी वर्ल्ड फेमस हो सकती है क्या, आप खुद सोचिए। तो यहीं से एग्जैजरेशन स्टार्ट हो जाती है पूरी स्टोरी की। एलिमेंट ऑफ एग्जैजरेशन है इसके अंदर। द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इज़ क्रिएटिव, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है राइटर ने, एक नाक के, नाक आपने कभी नहीं पढ़ी होगी कि किस नाक के ऊपर एक स्टोरी लिखी जा रही है, तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। लोगों की बेवकूफ़ी को दिखाया गया है, तो वो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, मतलब बहुत क्लेवरली उसे सोचा गया है। राइटर हैज सिलेक्टेड ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी है, लॉन्ग नोज क्या था, एक शेफ ही तो था, किसी के घर का कुक ही तो था, नॉर्मल आदमी, उसको प्रोटैगनिस्ट बनाया, मेन स्टोरी का हीरो बनाया, जिसके आसपास पूरी स्टोरी घूमती है, ठीक है। एंड देन शोज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपनिंग टू हिम, और फिर उसके साथ क्या क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।